हेलो यार, स्वागत है सभी का मेरे यूट्यूब हाँ, चैनल। स्कूल ट्यूशन गुरु जी में। आज हम बात करेंगे कार्यपत्रक राशि की, जो कि 10 फरवरी के लिए जारी किया गया है। कक्षा 10 का विज्ञान विषय कार्यपत्रक है। बच्चे अपना नाम लिखे हैं और यहाँ अपने कक्षा अध्यापक नाम लिखे हैं। बच्चे हमारा पाठ चल रहा है पुनरावृत्ति कार्य में जातनाक्रम, और आज हम पढ़ेंगे विषमपोषी पोषण के बारे में। सामान्य शब्दों में कहें तो विषमपोषी पोषण वह पोषण पोषण है है जिसमें जो जो जीव है वो अपना पोषण दूसरे दूसरों से प्राप्त करता है, यानी कि स्वपोषी, वो जो अपने आप अपना भोजन बना सके, और विषमपोषी वो जो अपना पोषण दूसरों से प्राप्त कर सके। अब इसमें इसमें जो चीजें हैं आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे बच्चों। तो चलिए शुरू करते हैं आपका पाठ जय पराक्रम और विषमपोषी पोषण। सबसे पहले कह रहे हैं प्राणी संपोषण के बारे में। इसमें जीव संपूर्ण भोज्य पदार्थ का अंतर्ग्रहण करते हैं तथा उनका पाचन शरीर के अंदर होता है। उदाहरण है अमीबिया, यानी कि सारा का सारा भोजन एक बार अंदर ले लेना और फिर उसको अंदर अंतर्ग्रहण करने के बाद उसके शरीर में पाचन करना, और जब पाचन प्रक्रिया पूरी हो जाए तो जो बचा कुचा है उसे बाहर निकाल देना। फिर है मृतजीवी पोषण बच्चों। मृतजीवी पोषण में भोजन मृतजीवी के शरीर व सड़े गले कार्बनिक पदार्थों से प्राप्त करता है जो जीव होता है वो, जैसे फूंदी, कवक। फिर है परिजीवी पोषण। अन्य जीवों के शरीर के अंदर या बाहर रहकर जो जीव अपना भोजन प्राप्त करते हैं, और इस तरह के भोजन जो प्राप्त करने वाले जीव होते हैं वो परिजीवी पोषण कहलाते हैं, जैसे कि अमरबेल, जूफ, फीता, कृमिजीवी, यानी कि एक तरह से जो आपको अलग अलग तरीके से देखने को मिलते हैं बच्चों। अब आगे क्या कहता है बच्चों, ये एक कोशिकीय जीव में भोजन संपूर्ण सतह से लिया जा सकता है, लेकिन जीव की जटिलता बढ़ने के साथ साथ विभिन्न कार्य करने वाले अंग विशिष्ट हो जाते हैं, जैसे कि हमारे मनुष्य के अंदर है बच्चों। उदाहरण भी दिया है उसने। उदाहरण के लिए अमीबा कोशिकीय सतह से अंगुली जैसी अस्थायी प्रवृत्त की मदद से भोजन ग्रहण करता है, यानी कि जो हमने अमीबा वाला देखा था अभी केस। तो अब आगे क्या हुआ, पैरामीशियम भी एक एक कोशिकीय जीव है। इसके कोशिका का एक निश्चित आकार होता है तथा भोजन का विशिष्ट स्थान से ही ग्रहण किया जाता है। भोजन इस स्थान तक पक्षम की गति द्वारा पहुंचता है जो कोशिका की कोई पूरी सतह को ढक देता है। यानी कि सिंपल अगर भाषा में बात करें तो ये जो एक कोशिकीय जीव है ये अपना भोजन किसी ना किसी तरीके से ले लेते हैं, लेकिन जब हम बात करें बहुकोशिकीय जीवों की तो ऐसे ही जटिलता पाचन की प्रक्रिया में जटिलता बढ़ती चली जाएगी। अब क्या कह रहा है बच्चों, मानव जीवों में पोषण। तो मानव जीवों में जो पोषण होता है उसमें कई सारे चीजें आती हैं। अब अंतग्रहण है, फिर पाचन है, अवशोषण है, आत्मसात, निष्कासन है, आखिरी में निष्कासन होता है। ठीक है बच्चों, विभिन्न भागों में भोजन का पाचन होता है, जैसे मुंह, ग्रसिका, आमाशय, छोटी आंत यानी शुद्रात, बड़ी आंत यानी वृद्धात, जहाँ विभिन्न एंजाइम भोजन के पाचन में मदद करते हैं और अन्य पदार्थ गुदा द्वारा शरीर से बाहर कर दिए जाते हैं। अच्छा, अब एक चीज़ समझ लीजिए, उदाहरण अगर आपको याद हो कुछ, जब हम मुंह में भोजन को रखते हैं तो वो थोड़ी देर बाद मीठा से ऐसा लगने लगता है। तो यहाँ पे क्या होता है, जो हमारा सलाइवा होता है, लार जिसे बोलते हैं, वो थोड़ा थोड़ा पाचन शुरू कर देता है खाने का, इस वजह से ऐसा होता है। जैसे कि लिखा भी हुआ है, एमालाइज मंड को शकरा में परिवर्तित करता है। एमालाइज जो लार होता है वो क्या करता है, सलाइवा क्या करता है, मंड को शकरा में, स्टार्च को शकरा में परिवर्तित कर देता है बच्चों। अब है आमाशय, ये क्या करता है, ये पेप्सिन प्रोटीन को सरल रूप में परिवर्तित करता है। यहाँ पे आमाशय में पेप्सिन प्रोटीन को सरल रूप में, पेप्सिन जो है वो प्रोटीन को सरल भागों में, सरल भागों में परिवर्तित कर देता है। फिर अग्नाशय, अग्नाशय क्या करता है, ट्रिप्सिन प्रोटीन और लाइपेज वसा को सरल रूपों में परिवर्तित करता है, यानी कि बची हुई चीज़ों को वो इस तरह परिवर्तित कर देता है। अच्छा, इसमें एक समझने वाली बात यह है कि पाचन प्रक्रिया एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय में अलग अलग होगी, जटिल होने का कारण यही, इसी वजह से आपको पढ़ाया जाता है। अच्छा, अब इसमें प्रश्नोत्तर दिए हैं, प्रश्नोत्तर देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, अमीबा में पोषण का नामांकित चित्र बनाइए। तो अमीबा में पोषण का नामांकित चित्र कैसा है बच्चों, चलिए देखते हैं। ये बच्चों अमीबा में पोषण का नामांकित चित्र है। अब क्या हुआ कि केंद्रक है अमीबा का, खाद्य पदार्थ यहाँ पे है, कण है जो उसे ग्रहण करेगा। ठीक है बच्चों, खाद्य रिक्तताओं के अंदर जा करके खाद्य कण जो चला गया, अब उसमें पोषण होगा और फिर कुछ समय बाद ये बाहर निकल जाएगा। ये हो गया इसका अमीबा में पोषण बच्चों। चलिए जरा अगला प्रश्न देखते हैं। अच्छा, प्रश्न नंबर 2 है, भोजन में पाचन में लार की क्या भूमिका होती है। तो ये क्या करता है बच्चों, ये
ऊपर देखिए, याद आ जाएगा आपको, ये क्या करता है, एमाइलाइज मांड को शर्करा में परिवर्तित करने का कार्य करता है मेनली। ठीक है, तो भोजन का पाचन यहीं से शुरू हो जाता है, हमारे मुख से ही। चलिए अगला देखते हैं। फिर एक क्रमाकुच गति किसे कहते हैं, तो क्रमाकुच गति वो होती है जब मुंह से अंदर ग्रासिका के द्वारा, यानी कि जब हमारा जो शरीर है उसमें मुंह से आगे ग्रासिका के द्वारा आमाशय तक भोजन जाना शुरू होता है, उस गति को क्रमाशुक गति कहते हैं बच्चों। फिर है हमारे आमाशय में अमल की क्या भूमिका है, तो हमारे आमाशय में अमल की भूमिका सबसे बड़ी ये है कि ये प्रोटीन को सरल रूप में परिवर्तित कर देता है बच्चों, सबसे बड़ी भूमिका ये है। दूसरा एक अमल का काम ये है कि ये अमल माध्यम का बना देता है पूरे वातावरण को बच्चों। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 5 है, पचे भोजन को अवशोषित करने के लिए शुद्रांत को कैसे अभिकल्पित किया गया है। तो जो शुद्रांत है उसमें छोटी छोटी संरचनाएं होती हैं, तो दिग्रोम या विलाय में छोटी छोटी संरचनाएं होती है शुद्रांत के अंदर, वो क्या करती हैं, जो भोजन से अवशोषित जो पदार्थ हैं उनको एक स्थान से दूसरे स्थान यानी पूरे भागों में, शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचाने का कार्य करती हैं बच्चों। अच्छा अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न क्या है कि मानव पाचन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए, मानव पाचन तंत्र का नामांकित चित्र बनाना है, चलिए उसे देखते हैं क्या है ये। तो बच्चों ये है मानव पाचन तंत्र का नामांकित चित्र, ठीक है, यहाँ से शुरू हुआ और यहाँ पे गुदा द्वार के द्वारा ये खत्म होता है, ये मानव पाचन तंत्र का नामांकित चित्र है, ये आपको बनाना है। तो बच्चों ये हो गया आपका कार्य पत्र कंप्लीट, और वीडियो भी, आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, थैंक यू।